नमस्कार प्रिय मित्रों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यदि जीवन में सभी प्रकार की संपन्नता होने के बाद भी महीने में 10 या 15 दिन व्यक्ति को टेंशन में गुजारने पड़ते हैं, कोई ना कोई कारण ऐसा बन जाता है कि तनाव जीवन में बना रहता है, तो व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्रमा पाप ग्रहों से दृष्ट है, पाप कर्तरी योग में है, अति बाल या अति वृद्धावस्था में है। आज की वीडियो में मैं आपको, यदि आपको मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है तो उसके कारण और उसके बिल्कुल सटीक उपाय बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप बहुत अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सअप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, विलम्ब न करते हुए विषय को आगे बढ़ाते हैं। चंद्रमा मनसो जाते, चंद्रमा मन के प्रतिनिधि देवता हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जीवन में सब कुछ है लेकिन मानसिक शांति नहीं है, खुशी नहीं है, तो ऐसे में आपको अपनी जन्म कुंडली में चंद्रमा को देखना होगा। दोस्तों, चंद्रमा के ऊपर ये शनि की दृष्टि होने पर किसी भी एंगल से, जब कुंडली में चंद्रमा से शनि चौथे स्थान में, सातवें स्थान में और ग्यारहवें स्थान में जाएंगे तो चंद्रमा पर सीधी दृष्टि शनि की पड़ती है और ऐसे में व्यक्ति को मानसिक प्रताड़नाओं को झेलना पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात, चंद्रमा के साथ में राहु या केतु अगर आपकी जन्म कुंडली में बैठे हैं तो भी मानसिक पीड़ा व्यक्ति को रहती है। चंद्रमा के पाप कर्तरी योग में होने पर, जहाँ पर चंद्रमा बैठे हैं उसके इधर भी और इधर भी, दूसरे घर में और बारहवें घर में कहीं पर भी कोई ग्रह नहीं है, चंद्रमा अकेले हैं तो केमद्रुम योग बनता है, ऐसे में भी व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रह पाता। और दोस्तों, चंद्रमा की डिग्री 3 या 4 होने पर, 5 डिग्री से नीचे होने पर और 25 डिग्री से ऊपर होने पर भी व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त नहीं होता। इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक है चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि। तो दोस्तों, यदि आपकी जन्म कुंडली में यह दोष बना हुआ है तो उपाय के लिए आपको ओम चंद्रमसे नमः इस मंत्र का सोमवार के दिन 108 बार जाप करना चाहिए। भगवान शंकर को नियमित रूप से आप जलाभिषेक करें, जल चढ़ाएं। और इसका सबसे ज़्यादा सटीक और सरल उपाय है, आप गर्मियों के दिनों में प्याऊ लगाकर या जैसे भी व्यवस्था करके ज़रूरतमंदों को मीठा पानी पिलाएं। दोस्तों, जल सेवा करने से, पानी पिलाने से प्यासे को चंद्रमा संबंधित दोष जीवन में से तत्काल नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें से आप जितने भी उपाय कर सकें एक या दो, जो आपको कंफर्ट हो वही कीजिएगा। अपने घर में आपका पानी पीने के लिए और दूध पीने के लिए आप चांदी का गिलास अवश्य रखें। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा ओम नमः शिवाय का जाप करने से भी व्यक्ति के जीवन में चंद्रमा संबंधित दोष दूर हो जाते हैं। सोमवार के दिन गंगा स्नान करें, इससे भी आपको चंद्रमा संबंधित दोषों से मुक्ति मिलेगी। और यदि आपको ऐसा लगता है कि इतना समय, इतनी उम्र आपकी बीत गई, आपने 2 पैसे भी कमा लिए, बिजनेस सेट कर लिया, नौकरी सेट कर ली, सारे काम आपके बढ़िया हैं, लेकिन उसके बाद भी तनाव से आप बाहर नहीं आ पाते, टेंशन आपको लगी रहती है जीवन में, तो दोस्तों आपको चंद्रमा के उपाय विद्वान आचार्यों के द्वारा कराने चाहिए। अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस करा के, जन्म कुंडली दिखाने के बाद में आप मोती रत्न धारण कर सकते हैं। बिना जोड़ वाला चांदी का कड़ा धारण करने से भी दोस्तों चंद्रमा संबंधित जो दोष हैं उनमें व्यक्ति को राहत मिलती है। साथ ही साथ में सोमवार के दिन आप सफ़ेद कपड़े में चावल और चीनी बांध करके जल में प्रवाहित करें, या चावल, चीनी और आटा, सफ़ेद वस्तुओं का दान जरूरतमंद को देने से भी व्यक्ति को जीवन में मानसिक शांति मिलती है। तो दोस्तों, यह थे जीवन में अशांति का मूल कारण, जन्मपत्री में चंद्रमा पर पापक ग्रहों की दृष्टि और उसके उपाय मैंने आपको बताए। कामना करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते रहेंगे ऐसी ही छोटी छोटी पर बेहद शानदार जानकारियों के साथ भविष्य में भी। तब तक के लिए नमस्कार।